नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में आज शुष्क रहेगा मौसम, इतना रहेगा अधिकतम तापमान। प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज प्रदेश के सभी पहाड़ी और मैदानी जनपदों में मौसम साफ रहेगा। वही दिन के वक्त गुनगुनी धूप खिली रहेगी। प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बात करें राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य पहाड़ी और मैदानी जनपदों की, तो आज राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल के दामों की। उत्तराखंड में आज सस्ता हुआ डीजल पेट्रोल, जानिए कितनी है कीमत। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल की कीमतों में 14 पैसे और डीजल की कीमतों में 17 पैसे की कमी देखने को मिली है। उधर हरिद्वार में पेट्रोल के दामों में 14 पैसे और डीजल के दामों में 17 पैसे की कमी आई है। वहीं हल्द्वानी में पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे की कमी और डीजल की कीमतों में 20 पैसे की कमी आई है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89.90 रुपये, वहीं आज के दाम है 89.76 रुपये। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 82.16 रुपये, वहीं आज के दाम है 81.99 रुपये। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 89.35 रुपये, वहीं आज के दाम है 89.21 रुपये। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.57 रुपये, वहीं आज के दाम है 81.40 रुपये। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 89.19 रुपये, वहीं आज के दाम है 89.03 रुपये। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81.39 रुपये, वहीं आज के दाम है 81.19 रुपये। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मौजूदा बजट सत्र का समापन संभव। चार राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश में 27 मार्च से विधानसभा के चुनाव शुरू हो रहे हैं। इसके मद्देनजर संसद के मौजूदा बजट सत्र की अवधि कम की जा सकती है और इस सत्र का समापन आज ही संभव है। रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुनवाई आज। रोहिंग्या शरणार्थियों को रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया कि जम्मू में रिफ्यूजी रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है, उन्हें छोड़ा जाए। खेल महाकुंभ का आयोजन। उत्तराखंड खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 25 और 26 मार्च को होगा। खेल महाकुंभ में अंडर 19 युवा वर्ग में एथलेटिक्स की केवल 4 स्पर्धाएं होंगी। खेल महाकुंभ का शुभारंभ। खेल मंत्री अरविंद पांडे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग उत्तराखंड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2020 का शुभारंभ करेंगे। रोजगार मेला पंजीकरण। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति से पहले क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय देहरादून की ओर से 26 मार्च को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इस रोजगार मेले के लिए सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण कराने का अंतिम दिन आज। बीजेपी मीडिया टीम की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के निर्देश पर रात 8 बजे बीजेपी मुख्यालय में मीडिया सोशल मीडिया की बैठक रखी गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मीडिया टीम की समीक्षा बैठक लेंगे, साथ ही आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में पूरी टीम को निर्देशित करेंगे। मंत्री हरक करेंगे बैठक। वन मंत्री हरक सिंह रावत देहरादून में विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, विभिन्न योजनाओं को लेकर अधिकारियों से लेंगे फीडबैक। इग्नू प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन आवेदन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने बीएड ओपन मेट पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट आज। www.ignu.ac.in पर करें आवेदन। UKPSC RO/ARO पदों पर भर्ती। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। UKPSC.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में डल झील किनारे स्थित इस बाग में प्रवेश करने वाले देशी विदेशी सैलानियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सैनिटाइजर भी मिलेगा लेकिन खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। गौला नदी में उपखनिज की ढांग गिरने से मजदूर की मौत। 11 दिन पहले जहां गौला नदी में खनन कार्य के दौरान एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि उसकी पोती मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है, वहीं बुधवार को नदी के गोरा पड़ाव खनन निकासी गेट पर उपखनिज की ढांग गिरने से एक मजदूर की फिर से मौत हो गई। मसूरी में महिलाओं को दिया गया इप्पड़ मनाने का प्रशिक्षण। मसूरी के इप्पड़ आजीविका एवं रोजगार सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गेहूं खरीद में गड़बड़ी करने के खिलाफ होगी FIR बंशीधर भगत। रुद्रपुर जिला मुख्यालय में खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने गेहूं खरीद को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तोल में गड़बड़ी करने पर दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, धान का भुगतान अप्रैल महीने तक कर दिया जाएगा।
मसूरी टेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष बने रजत, दो पदों पर 31 मार्च को वोटिंग। ट्रेड एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा के बाद चुनाव के लिए नामांकन किया गया। अध्यक्ष पद पर एक नामांकन रजत अग्रवाल का आया है। उन्हें सातवीं बार लगातार अध्यक्ष पद पर चुनाव अधिकारी ने विजयी घोषित किया। वहीं महासचिव और कोषाध्यक्ष पद पर सहमति न होने के कारण दोनों पदों पर 31 मार्च को राधा कृष्ण मंदिर सभागार में मतदान होगा। काशीपुर के सिद्धेश्वरी पेपर मिल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद बुझी। काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित सिद्धेश्वरी पेपर मिल में बुधवार रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। देर रात फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिल जमा करने की तिथि समाप्त, अब कनेक्शन काटने की होगी कार्रवाई। बिजली के उन बकायेदारों पर अब कनेक्शन काटने की तलवार लटक गई है जिन्होंने अंतिम तिथि पर भी बिल जमा नहीं किए। अब विभाग उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने जा रहा है। ब्याज माफी योजना का जिले के 8,392 उपभोक्ताओं ने फायदा उठाया। इसके एवज में विभाग ने 7,34,000 रुपए माफ किए। नीलकंठ से रुड़की रोड तक कुंभ क्षेत्र घोषित, अधिसूचना जारी, एचसी का भी सख्त आदेश। हरिद्वार कुंभ के लिए राज्य कुंभ पुलिस ने अधिसूचना जारी कर दी है। पौड़ी के नीलकंठ मंदिर से रुड़की तक कुंभ क्षेत्र को घोषित कर दिया गया है। खटीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू। खटीमा के चरकपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ हो गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र के सीनियर सिटीजन चरकपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीका लगवा सकते हैं। राजस्व निरीक्षण और उपनिरीक्षकों का धरना समाप्त, शासन आदेश जारी होने के बाद काम पर लौटे। उत्तराखंड में राजस्व निरीक्षक, प्रभारी तहसीलदार एवं प्रभारी नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर गैर भूलेख संवर्गीय अधिकारियों को तैनात किए जाने का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उनकी मांगे पूरी हो गई है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे बाल अपराध, जाने पॉक्सो कोर्ट की स्थिति। उत्तराखंड में बच्चों के साथ यौन अपराधों की तादाद जिस तरह बढ़ती जा रही है, अब इन मामलों में सरकार को लेकर पॉक्सो कोर्ट तक गंभीर दिखने लगी है। विधायक के आश्वासन पर ग्रामीणों ने समाप्त किया धरना, जल्द शुरू होगा पुल निर्माण। यमकेश्वर विधायक के प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को लंगूर गार्ड नदी पर पुल बनाने का आश्वासन दिया गया, जिस पर प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने 10वें दिन अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। बैरागी कैंप में बेबस आंखों से सपनों को स्वाह होते देखती रही मजबूरियां, बहते रहे आंसू। हरिद्वार बैरागी कैंप में हुए अग्निकांड में 30 से 40 झोपड़ियों के जलने की सूचना है। हालांकि अभी पूरे नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता है। होली के चलते आधे से ज्यादा ट्रेनों में सीटें फुल, जानिए सीटों की वर्तमान स्थिति। देहरादून से चलने वाली अधिकतर ट्रेनों में होली के चलते अभी से सीटें फुल हो गई है। खासतौर पर उत्तरी पूर्वी ट्रेन अभी से फुल हो गई है या फिर वेटिंग में है। देहरादून रेलवे प्रशासन ने मुरादाबाद मंडल को पत्र भेजकर अतिरिक्त कोच मुहैया कराने की मांग की है। उत्तराखंड में एक बार समाधान योजना 2021 लागू, मुख्यमंत्री ने दिए थे निर्देश। पूर्व में एक बार समाधान योजना के क्रियान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाइयों का निराकरण करने के लिए पर्यटन और गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक बार समाधान योजना 2021 लागू की गई है। एक गिरोह के 3 शातिर चोर, पुलिस के हत्थे 2 फरार। पुलिस की संयुक्त टीम ने एक गिरोह के 3 शातिर चोरों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। तीनों चोरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हालांकि अन्य 2 शातिर चोर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। डॉक्टर तृप्ति बगुड़ा बनी स्वास्थ्य महानिदेशक, सीएम ने अधिकारियों को दी जिम्मेदारी। सीएम तीरथ सिंह रावत ने डॉक्टर तृप्ति बगुड़ा को स्वास्थ्य महानिदेशक के पद पर पदोन्नति दिए जाने की संस्तुति दी है। अनलॉक की गाइडलाइंस 30 अप्रैल तक के लिए जारी, कोविड संक्रमण पर सख्ती। उत्तराखंड में अनलॉक की गाइडलाइन आगामी 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। इस दौरान कोरोना को लेकर सख्ती भी बरती जाएगी। सीएम ने कई विभागों को दी वित्तीय स्वीकृति, योजनाओं में बजट की कमी होगी दूर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु कई विभागों को वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूर दी है। 100 ग्राम हीरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार, कॉलेज के छात्रों को करता था सप्लाई। पुलिस की टीम ने 100 ग्राम हीरोइन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में ये तस्कर ने कबूल किया है कि वो मोटा मुनाफा कमाने के लिए ये गोरख धंधा करता है। कुमाऊं मंडल के 12 इंस्पेक्टरों का तबादला, कई चढ़े पहाड़। कुमाऊं मंडल के 12 इंस्पेक्टर का अलग अलग जिलों में तबादला किया गया है। ये सभी इंस्पेक्टर एक ही जगह पर जमे हुए थे। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सड़कों के निर्माण को लेकर अधिकारियों को गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को अगले वित्तीय वर्ष के कार्यों को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने ली अधिकारियों की बैठक, दिए दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक ली। हरिद्वार पहुंचे यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल, लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर रखी बात। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मुस्लिम समुदाय से अजान को धीमी आवाज में करने की अपील की, साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करने को कहा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, शासन आदेश जारी। राज्य में आपदा की संवेदनशीलता को देखते हुए विश्वविद्यालयों में आपदा प्रबंधन के विभिन्न कोर्स संचालित किए जाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्नातक स्तर पर कॉलेज में पर्यावरण विज्ञान की तरह ही आपदा प्रबंधन विषय को भी अब अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा।